कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, यही वजह है सिर्फ। पहली सबसे सबसे टॉप पे है ड्राइवर। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 80% एक्सीडेंट, 80% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की गलती से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है गाड़ी, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई हो, ब्रेक फेल हो गया हो या जो भी, गाड़ी की गलती। तीसरा आता है वेदर यानी मौसम, मौसम खराब हो गया, तेज बारिश हो गई थी, दिखा नहीं, हवाएं बहुत तेज चल रही, मौसम। चौथा होता है रोड की कंडीशन, खड्डे विड्डे हैं रोड में। उसके बाद अदर रोड यूजर, लेकिन सबसे टॉप पे आता ड्राइवर। इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है सबके लिए, गलती ना हो, क्योंकि 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल 100 में से, 80 एक्सीडेंट तो ड्राइवर की गलती है, इस ड्राइवर की तो उस ड्राइवर की तो इस ड्राइवर की, ड्राइवर की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ड्राइवर कैसे इन्वॉल्व होता है, डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया ध्यान भटक जाता है उसका, दिमाग नहीं और चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, जैसे हमने देखा ना डिस्ट्रैक्शन किस किस प्रकार के होते हैं, गाड़ी के अंदर भी होते हैं, गाड़ी के बाहर भी पोस्टर लगे हुए हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट करने की उस पर शक्ति ज़रा कम होती है, एक टास्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान भटक जाता है जल्दी जल्दी। दूसरा होता होगा उसका एटीट्यूड, कई लोगों का एटीट्यूड भी होता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होती है, तेजी चलाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, है ना, तो थोड़ा एटीट्यूड के वजह से भी प्रॉब्लम है। इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एंड ड्रग, दारू पी के गाड़ी चलाना, लैक नॉलेज ऑफ रोड, रोड के रूल के बारे में जानकारी ही नहीं होना, इमोशनल फिजिकल स्टेट जैसे हमने डिस्कस किया था, तबीयत खराब है या दिमाग गर्म है, और विजन, आँखें कमजोर है, दिखाई नहीं दिया, ये सारे कारण हैं ड्राइवर, जिसके कारण ड्राइवर इन्वॉल्व हो जाता है एक्सीडेंट्स में। जो डर गया समझो बच गया, बच के। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग का मतलब ही है, डिफेंसिव का मतलब समझते हो, एक होता है अटैकिंग, एक होता है डिफेंसिंग, दो वर्ड होते हैं। क्रिकेट में भी देखा होगा ना, डिफेंस करना, डिफेंस मतलब बैक फुट पे, और अटैकिंग मींस आगे आके मारना, है ना, तो ये डिफेंसिव ड्राइविंग। हम लोग गाड़ी चलाते हैं अटैकिंग मोड में हो ही नहीं सकते, डिफेंसिंग बैक फुट पे ही खेलना है, बैक फुट पे ही आना है, पीछे ही आना है, आराम से चलाना, देख के चलाना, सब चीज़ें देख के चलाना, जल्दी पहुँच के फायदा नहीं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना, डिफेंसिव ड्राइविंग करना है हमको। ये ड्राइवर देख लिया हमने, एटीट्यूड देख, एटीट्यूड में ये सब आते हैं, ये दारू पी की गाड़ी चलाना, ये रूल्स की जानकारी नहीं है। एक अब एक वेदर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है ना वेदर, जो पहली बारिश होती है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखना तभी होती है, जो पहली पानी देता है मौसम की, यानी रेनी सीजन का जो फर्स्ट बारिश होती है ना, वो जब गिरती है तो रोड के अंदर सब बूंद 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 करके ऑयल जमा होता है। अब गाड़ी चल रही है तो ऑयल टपकता ही सबकी गाड़ियों से, तो बूंद बूंद करके सड़क पर जमा हो जाता है। पहली बारिश जब पड़ती है उसके ऊपर, वो पानी के साथ ऑयल बाहर आता है और रोड हो जाती है स्लिपरी, ऐसी स्लिपरी, उस टाइम में एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं। उसके बाद तो जब तेज बारिश आने लग जाती है फिर धुल जाती है रोड, लेकिन पहली बारिश सबसे डेंजरस है इसके लिए। और सबसे, जैसे सर ने भी बता के भी गए थे शायद अभी शुरुआत में, सबसे डेंजरस टाइम है गाड़ी चलाने का 3 से 5, क्योंकि उस समय नींद का झपका आता ही आता है, तो हमको उस, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स यही टाइम में हुए 3 से 5। इसके लिए हमने भी लिखा है और सर ने भी आपको बता ही दिया सुबह कि 3 से 5 बजे गाड़ी चलाना अवॉइड ही करना चाहिए, कि उस समय चलो आप ओके हो, आप दिन भर सोए रात भर सोए, अभी 2 बजे उठे और 3 बजे गाड़ी लेके निकल के आप तो फ्रेश हो, सामने वाला जो चला रहा है वो, उसके लिए भी तो 3 और 5 का आंकड़ा फिट है ना, आपने चलो वो तो घुसेगा आके, क्योंकि उसको तो झपका लगेगा, समझ रहे हो बात, आप अपना मत सोचो, सब इन जनरल का बता रहा हूँ। 3 बजे से 5 बजे तक की गाड़ियाँ चलती है रोड पर, लेकिन एक्सीडेंट का वो मेजर टाइम है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए उस समय गाड़ी चलाना। फिर पॉटहोल्स, रोड में गड्ढे, ये सब हमने देख लिए, और आगे देखेंगे कौन सा मेन टॉपिक है वही कवर करेंगे।
अभी लास्ट टॉपिक अपन कवर कर लेते हैं फ्यूल सेविंग टिप्स, ठीक है, उसका एंड कर देंगे अपन, चलेगा सर? है, सब लोग बोल भी रहे थे को जाना है तो ये लास्ट टॉपिक कवर कर, थोड़ा ध्यान से सुनना, उसका एक ग्रुप फोटो खींचेंगे सबकी और फिर अपन क्लोज करेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो फ्यूल सेविंग टिप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं इसके लिए कवर कर रहा हूँ इसको। सर इस पर सबसे ज्यादा ध्यान ऑपरेटर देते हैं। हाँ, तो ये राम से बड़ा जरूरी है, महंगा है ना फ्यूल, बड़ा महंगा, वो ज्यादा ही ध्यान देते हैं और भी कारण है। अच्छा, अलग तरीके से सैटरडे संडे को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ऐसा है, वीकली सेव होता है, मतलब कहाँ सेव होता है वो पता नहीं। हाँ, वीकली सेव जरूर होता है, सेव हो जाता है ना, बाहर से बोनट से फिर अंदर बैठ के, जब अंदर बैठ के चेकअप करते हैं तो गाड़ी का स्विच बंद कर रखे, यानी मोटर इंजन बंद करके ही चेक करना है, ये सारे एडजस्टमेंट, मिरर एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट, सीट बेल्ट लगाना बंद करके। कई बार लोगों की गाड़ी चालू हो जाती है उसके बाद अरे सीट बेल्ट नहीं लगाया, उसके बाद सीट बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद मिरर भी एडजस्ट नहीं किया। जब इंजन चालू है मतलब फ्यूल चालू है आपका, खर्चा हो गया, चार मीटर चालू हो गया, तो ये सब एडजस्टमेंट अपने को इंजन बंद करके करने हैं। इंजन चालू नहीं करना जब तक, इंजन जब चालू करोगे जब आपको आगे बढ़ना है गाड़ी में, उसके पहले नहीं। ये तो होता ही नहीं, अभी मूविंग गाड़ी गर्म करने की जरूरत नहीं है, आजकल पहले आता था ना कार्बोरेटर में उसमें थोड़ा गर्म करना पड़ता था, आजकल नहीं, आजकल चालू करो चलते चलते वो ऑटोमेटिक अपने आप ही गर्म हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी चालू कर ली, अब निकलने ही वाले हैं हम, उतने में कोई आ गया, फिर उससे बात करने लग गए, ये भूल जाते हैं बात करने में, हमको लगता है दो एक आप 10 मिनट तो बाद या दो से दो तीन सेकेंड तो बाद वो बात हो जाती है लंबी, और इंजन चालू है तो उसमें भी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है आपका, है ना, गलत गियर में, गलत स्पीड में, गलत गियर में गाड़ी चला रहे हैं, ये भी पहले गियर में खींच दिए 30 तक, दूसरे में खींच दिए 40-50 तक, उसमें भी जाकर, तो सही स्पीड में सही गियर का सिलेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेविंग के लिए। क्लच अन्य अभी क्या ना क्लच राइडिंग की आदत, जिसको क्लच राइडिंग बोलते हैं, क्लच राइडिंग की आदत होती है बहुत जिनको, क्लच के ऊपर पावर रख के ही गाड़ी चला, उससे क्या होता है अननेसेसरी ना आपके क्लच पे वजन पड़ते जाता है, क्लच पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, क्लच लाइनिंग डैमेज हो रही है और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्लच का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको गियर चेंज करना हो, एक बार गियर चेंज कर दिया आपका पाँव साइड में आना चाहिए, क्लच के ऊपर कंटिन्यू रख के चलाना नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्किंग ब्रेक, कई बार होता है ऐसा और ये नोटिस भी किया मैंने, निकालना पूरी 100% निकालना चाहिए पूरा, कई लोग निकालना भूल जाते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं थोड़ा रह जाता है, 10% रह जाता है, थोड़ा सा लगा ही रहता है, पूरा निकालते नहीं और चलती रहती गाड़ी, तो ब्रेक तो लगा भले 10% लगा है तो गाड़ी को आगे भागने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इंजन ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है क्योंकि ज़्यादा ताकत देनी पड़ रही है उसको, है ना। तो जब भी आप हैंड ब्रेक वापस रिलीज करोगे तो ये इंश्योर करना कि मैंने पूरा रिलीज कर दिया, अननेसेसरी लोड अगर ज़रूरत नहीं है गाड़ी में तो लोड जितना कम ले सको गाड़ी में उतना फ्यूल आपका बचेगा, जितना गाड़ी में लोड ज़्यादा होगा उतना गाड़ी को आगे बढ़ाने में ताकत ज़्यादा लगेगी, ताकत ज़्यादा लगेगी तो इंजन ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा ज़्यादा ताकत देने के लिए, और ऐसे अगर ऊपर रखोगे तो इसका गाड़ी का हवा का दबाव पड़ेगा इस पर आगे बढ़ाते, उसको बोलते ना एरोडायनामिक्स इफेक्ट होता है इससे गाड़ी का, शेप हवा काटती है ना गाड़ी वैसे शेप बना होता है, एरोडायनामिक्स बोलते हैं उसको, ऐसे अगर ऊपर हमने लगेज रख दिया तो हवा का दबाव बढ़ेगा और आगे बढ़ने में गाड़ी को ज़्यादा ताकत लगेगी। अब ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि एसी बंद कर दूंगा तो मेरा फ्यूल बच जाएगा, अगर 30 किलोमीटर या उसकी अधिक रफ्तार से गाड़ी चला रहे जो कि नॉर्मल सभी चलाते हैं 30 के ऊपर ही 30 तक कोई नहीं चला रहा है ना, 30 के ऊपर चल रहा है, आँच बंद करके एसी चला लो उतना ही फ्यूल आपका कंज्यूम होगा जितना कांच खुले में, कांच खुले में क्यों, क्योंकि हवा एंटर करेगी, पीछे आपका कांच है वहाँ से ब्लॉक हो गई हवा, दबाव बढ़ रहा है आगे जाने में गाड़ी को ज़्यादा ताकत लग रही है,
ज्यादा ताकत मतलब ज्यादा फ्यूल कंजप्शन, इससे अच्छा कार बंद करके एसी चला के चला, उतना ही पेट्रोल वेस्ट होने वाला है। जबरदस्ती एक्सीलेटर देना, एक्सीलेटर से क्या मैंने आपको बताया ना, एक्सीलेटर से आप फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं। एक्सीलेटर जितना दबाओगे उतना फ्यूल तेज आएगा, छोड़ोगे कम कम हो जाएगा, फिर जाओगे जब फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हो। अगर आपको मालूम है आगे मेरा सिग्नल लाल होने वाला है, अभी 10 का काउंट बचा है, दूर से दिख जाता है, या आपको कहीं आगे ट्रैफिक दिखा कि ट्रैफिक अगर मेरे को आगे रुकना है, तो यहीं से एक्सीलेटर के ऊपर से पावर डालो ताकि रोल होकर गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाए। जितना एक्सीलेटर दबाओगे उतना फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, टायर प्रेशर बराबर रखना है, कम रखोगे तो जितो भी आगे बढ़ने में तकलीफ होगी, ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होएगा। अननेसेसरी ओवरटेक करने से बचना है, जितना ओवरटेक आप करोगे अपना आप अपना रूट डिस्टेंस बढ़ा रहे, यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ दादाजी बैठे हैं देखो, यहाँ से वहाँ अगर मैं सीधा चले जाऊँगा तो उतना डिस्टेंस होगा, अगर मैं ऐसे ही जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा ना डिस्टेंस, मैं सीधा जाऊंगा तो इतना ही डिस्टेंस है मेरे को, मैं ऐसे ऐसे घूम के जा रहा हूँ, ओवरटेक करते जा रहा हूँ, ओवरटेक करते जा रहा हूँ, तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, जहां मेरा डिस्टेंस बढ़ गया वहां मेरा फ्यूल बढ़ गया। ठीक है, तो अननेसेसरी ओवरटेक करने से बचना चाहिए। और मैं आपको ये पहले बता चुका, फिफ्थ गियर को जितना जल्दी हो सके फिफ्थ गियर में आने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ गियर ये ना के बराबर फ्यूल कंज्यूम होता है, इसमें सिर्फ गाड़ी को रोल करते रहने में जितनी ताकत लग रही है इंजन उतना ही ताकत दे रहा है और उतना ही फ्यूल कंज्यूम कर रहा है ना के बराबर। इस गियर को बोलते हैं ओवरड्राइव गियर, ओवरड्राइव इसके लिए नाम दिया गया, फ्यूल एफिशिएंट गियर है, इसमें ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं करती है गाड़ी, लेकिन अब रोड कंडीशन वैसी होनी चाहिए, ट्रैफिक इतना क्लियर होना चाहिए जहाँ पांचवा गियर डाल सको, तो पांचवे गियर में जितने जल्दी से जल्दी आओगे उतना फ्यूल आपका गाड़ी में बचेगा। अगर सिग्नल आपका 60 सेकंड से ज़्यादा है, आप गए ट्रैफिक सिग्नल लाल है, 60 सेकंड से ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंजन आपको बंद कर देना, बंद करके वापस चालू करने में उतना फ्यूल कंज्यूम नहीं होगा जितना 60 सेकंड गाड़ी चालू में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म गाड़ी खड़ी है तो तुरंत जाके एसी नहीं चलाना, पहले वही दरवाजे खोलने हैं, अंदर की गर्म हवा बाहर जाने देना है, फिर बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाएगी, उसके बाद दरवाजे सेट कर दें, उसके बाद ही आपको एसी चालू करना है। ठीक है, ओवरलोड नहीं करना है गाड़ी को, जितना आप एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगाओगे बाहर की, एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा और एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन जाएगा। पार्किंग करते समय रात में जब हम गाड़ी लेके आते तो पार्क उस तरीके से करें कि सुबह आपको रिवर्स ना करनी पड़े, सुबह डायरेक्ट फर्स्ट गियर निकाल के बाहर जाना, क्योंकि जैसे मैंने बताया फर्स्ट एंड रिवर्स गियर सबसे पावरफुल गियर से सबसे ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। अब आप सुबह दोनों गियर लगा लोगे, पार्किंग ऐसी की है सुबह रिवर्स भी डालना है फिर फर्स्ट भी डालना है, तो डबल आपका फ्यूल कंज्यूम होगा। तो रात को ही जाके इस तरह से लगा देना आपको कि सुबह पहली बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम गाड़ी जब चालू करते ज़्यादा पेट्रोल लगता है दिन में, और उसके बाद गाड़ी हमेशा टाइमली मेंटेन रखनी है, आपको सर्विस कराती रहनी है। ठीक है, तो ये था आपका, अरे एटीट्यूड के ऊपर एक लास्ट पॉइंट है, आखिरी स्लाइड है ये जो एंड करेंगे हम यक्ष प्रश्न से। महाभारत देखिए, सबने टीवी सीरियल में भी देखी होगी महाभारत, उसमें जब पांडव अज्ञातवास में थे, जंगल में थे, तो जंगल में जा रहे थे, धूप बड़ी थी, चलते चलते वो थक जाते हैं, तो एक पेड़ मिलता है बहुत बड़ा पेड़, वो पेड़ के नीचे वो सब बैठ जाते हैं, थोड़ा बोले विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे, प्यास भी बड़ी लगी होती है, तो युधिष्ठिर अपने सबसे छोटे भाई को बोलते हैं तुम जाओ जरा कुछ पानी वानी का बंदोबस्त करके आओ, तो ये बोलता ठीक है, ये जाता है पानी लेने, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वापस ही नहीं आता, उससे बड़ा जाता है वो भी वापस नहीं आता है, उससे बड़ा जाता है अर्जुन वो भी नहीं आता, भीम जाता है वो भी नहीं आता। अब युधिष्ठिर को चिंता होने लग जाती है कि चारों जन गए हैं, ये वापस कोई नहीं आया, जरूर कुछ तो बात है, तो ये चारों वापस क्यों नहीं आ, नहीं तो आते ही पानी लेके, तो ये खुद जाते हैं, युधिष्ठिर देखते हैं तो एक तालाब होता है, उसके बाजू में चारों भाई मरे पड़े होते हैं,
तो इस दिशा जाके देखते हैं चारों के समय उतने में वो तालाब से एक राक्षस प्रकट होता है, उसका नाम होता है यक्ष। युधिष्ठिर से बोलता है मैंने तुम्हारे सब भाइयों को मैंने मारा है, मैंने इनको कहा था कि अगर मेरे तालाब से पानी लेना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, इन्होंने दिए नहीं, जबरदस्ती पानी लेके जाने लगे तो मैंने मार दिया। तो युधिष्ठिर बोलता है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूँगा, लेकिन अब मैं सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो क्या मेरे चारों भाइयों को जिंदा कर दोगे? तो बोलता हाँ, आप मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो मैं आपके चारों भाइयों को जिंदा कर दूंगा। तो बहुत सारे प्रश्न करता है यक्ष, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है जो हम अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड कर रहे हैं या हमारे ड्राइविंग से रिलेटेड है, वो अंग्रेजी में है व्हाट इज अस्टॉनिशिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक क्या है। आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना ये आश्चर्यजनक मैं बताता हूँ, हमारे ड्राइविंग से रिलेटेड ही आश्चर्य ये है कि सब ने देखा हुआ है, सिर्फ हेलमेट नहीं पहना था, किसी ने एक्सीडेंट हुआ सर फट गया गिर गया मर गया, ये सीट बेल्ट नहीं डाला था उसने एक्सीडेंट हुआ उसको लग गई या मर गया, ये सबने देखा हुआ है, कहीं ना कहीं देखा है, सुना तो बहुत बार ही है लेकिन देखा भी हुआ है। उसके बाद भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं डालते हैं, ये जानने के बाद भी कि हमने देखी हुई चीज़ें सामने सुनी हुई चीज़ें कि ये नहीं करने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी हम नहीं पहनते, ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना। और क्यों नहीं पहनते हैं कि हमको ऐसा लगता है ये मेरे साथ तो नहीं होगा, मतलब मैं विदाउट हेलमेट पहन के यही तो जाना है 2 किलोमीटर तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, इसी विश्वास से हम वो हेलमेट नहीं पहनते। बट किसको मालूम है कि 2 किलोमीटर तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला कि नहीं होने वाला, पता नहीं है ना, सेफ्टी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है आज की तारीख में कि लोगों को जानकारी होने के बाद भी लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, होप ये आपको सेशन सबको समझ अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इसी के साथ आज का हम लोग ट्रेनिंग एंड करेंगे। ठीक है, अभी एक ग्रुप फोटो खींचते हैं और क्या एंड करते हैं, ग्रुप फोटो यहीं से खींच लें। सर भी आएंगे ना, सर को बुला लो सर।